दोस्तों, तो आज जो एक खबर आई है बहुत ही खतरनाक सी है। अब आप सब देखते हैं फ्लाइंग बीस्ट और गौरव तनेजा को, और मैं भी देखता हूँ और काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ जब उनका सिर्फ एक ही चैनल था। तो अभी एक न्यूज़ आई है कि यूट्यूबर गौरव तनेजा अरेस्टेड आफ्टर ही कॉल्स फैंस एट नोएडा मेट्रो स्टेशन फॉर बर्थडे। तो देखते हैं, साथ ही में पढ़ते हैं क्या न्यूज़ है। तो गौरव तनेजा, जैसे सब जानते हैं कि फ्लाइंग बीस्ट चैनल चलाते हैं और एक और उनका फिटनेस चैनल है, और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। करने के लिए उनको उन्होंने अपने फैंस को मेट्रो स्टेशन पे बुला लिया। और आप सभी जानते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसी है कि मतलब अगर वो चुनाव में भी खड़े होंगे तो एक तरफा जीत उन्हीं की है। इतने लोग उनको पसंद करते हैं और हर एज के। तो आइए देखते हैं, साथ में पढ़ते हैं कि यूट्यूबर गौरव तनेजा वॉज अरेस्टेड इन यूपी नोएडा टुडे आफ्टर हिज फॉलोअर्स गैदर्ड इन लार्ज नंबर एट अ मेट्रो स्टेशन टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो अभी ये उनको पता कैसे चला कि वो मेट्रो स्टेशन पे, इस पे आते हैं। तनेजा हु रन्स यूट्यूब चैनल फ्लाइंग बीस्ट हैड प्लान टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे एट सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन इन नोएडा। तो उन्होंने खुद ही ये बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था 51 मेट्रो स्टेशन नोएडा में। तनेजा हैड पोस्टेड अ रिक्वेस्ट ऑन हिज इंस्टाग्राम। ओहो, तो उन्होंने ही बताया था अपने इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स को कि आप आ सकते हैं मेट्रो स्टेशन में, वहाँ गैदर हो सकते हैं और साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फॉलोइंग दिस थाउजेंड ऑफ पीपल टर्न अप एट सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन रिजल्टिंग इन अ स्टैम्पेड। गौरव तनेजा हैज़ ओवर 3.3 मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम। तो सिर्फ उनके इंस्टाग्राम में अकेले ही 3.3 मिलियन, मतलब 30 लाख लोग हैं दोस्तों। तो अभी यूपी की जनता तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है और वहाँ से भी बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो कानपुर के रहने वाले हैं। और अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ट्वीट में उत्तराखंड यूपी की जो एक खबर आई हुई है कि यूट्यूबर गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस अरेस्टेड अंडर सेक्शन 188। तो 188 की धारा उन पर लगी है और इतनी ज़्यादा भीड़ आ चुकी होगी, मैं तो अभी सोच भी नहीं सकता। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो और बताया गया है 88 वायलेटिंग सेक्शन 144। तो 144 सेक्शन को वायलेट करने के चक्कर में उन पे 188 की धारा लग गई। तो यहाँ पे जो रितु राठी हैं, उनकी वाइफ हैं, उन्होंने भी एंटायर मेट्रो स्टेशन बुक की थी इन विच दे वुड सेलिब्रेट तनेजाज बर्थडे एंड कट द केक। अच्छा, उन्होंने पूरी बुक कर रखी थी मेट्रो। वी विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेट्रो गिवन बाय NMRC, लेकिन सबसे मिलेंगे ज़रूर, बट वी विल मीट एवरी वन, शी पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम टूडे। ओके, तो इन लोगों ने, मतलब जो गौरव तनेजा हैं और रितु राठी हैं, उन्होंने नोएडा मेट्रो स्टेशन बुक कर रखी थी, मतलब प्रॉपर तरीके से ही सब काम चल रहा था। लेकिन हाँ, उनको एक लिमिट थी कि भाई आप इतने ही बुला सकते हो, लेकिन मुझे भी अब ये लगता है कि भीड़ ज़्यादा हो गई होगी। तनेजा वॉज फर्स्ट डिटेन फॉर वायलेटिंग द प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इम्पोज इन नोएडा इन व्यू ऑफ द राइजिंग कोविड केसेस। कोविड के चलते भी थोड़ी दिक्कत थी। नोएडा पुलिस देन अरेस्टेड हिम फॉर डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली कम्युनिकेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। आवर्स आफ्टर हिज अरेस्ट, गौरव तनेजा वॉज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। और उनके अरेस्ट होने के बाद ट्विटर पर वो ट्रेंड होने लगे, वो तो होना ही था क्योंकि गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस जो हैं वो बहुत छोटी पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, और मतलब पॉजिटिव वे में ही बड़ी पर्सनैलिटी है, वरना पर्सनैलिटी तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, वो नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी। लेकिन गौरव तनेजा बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो यहाँ पे किसी ने ट्वीट किया है, मतलब जब उनको अरेस्ट किया गया कि बेल जल्दी हो जाएगी, टेंशन मत लो। उसके बाद लेट इन द नाइट ही पोस्टेड अ पिक्चर विद हिज फैमिली ऑन हिज सोशल मीडिया हैंडल्स एंड थैंक्ड हिज फैंस फॉर द बर्थडे विशेज़। तो उसके बाद उन्होंने रात को अपने सोशल मीडिया में अपने परिवार के साथ फ़ोटो खिंचाई और सबको धन्यवाद किया। तो यहाँ पे मुझे लगता है बेल हो चुकी है। और सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर से उन्होंने वो पास आउट है, और सभी जानते हैं कि वो एक पायलट भी थे, बॉडी बिल्डर भी थे, और अभी यूट्यूबर हैं, और साथ में अब वो लॉ भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा एकदम चौंकाने वाला हिसाब आया है क्योंकि नाम ही ऐसा था कि अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन हाँ, पता है वो बेल जल्दी हो जाएगी। बट बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गौरव भाई, हम तो ये बोलेंगे, और आप सब भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हो जाती है, गलती तो कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब
सब बुक किया था, लेकिन भीड़ को अब कौन रोक सकता है? वो बाहर भीड़ ज़्यादा हो चुकी होगी तो उस कारणवश उनको अरेस्ट किया गया होगा, क्योंकि वही सोर्स से भीड़ के अगर पुलिस उनको ले जा लेगी तो भीड़ एकदम हट जाएगी। अगर उनको अरेस्ट ना करो, वहीं पे रख के रखो और भीड़ को भगाओ हटाओ तो वो जाएंगे नहीं। तो ये भी एक पर्पज़ होता है पुलिस, जो पुलिस वाले होते हैं। तो बेल हो जाएगी, टेंशन मत लेना। जय हिंद दोस्तों।